नमस्कार। तो आज का ब्लॉग हो रहा है रात के कुछ 9 बजे से स्टार्ट। 9 बजने में 5 मिनट है और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्चुअली में आज हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने, तो इतना एक्साइटमेंट है ये रामलीला में जाने का। तो आज मैं अपनी एरिया पीलीकोठी बड़ी मुखानी की रामलीला आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आज मे भी कल राम जी को वनवास हुआ था, आज सूर्पनखा का नाक कटेगा जहाँ तक है। हमें पता नहीं आज क्या है होने वाला है रामलीला में, लेकिन मे भी यही होगा। तो जो भी होगा वहाँ जाने के बाद आप लोग देख लेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। बच्चों का एक्साइटमेंट इतना है, 7 बजे से रेडी हो चुके हैं। चलो चलो देखो कितने लोग जा रहे हैं रामलीला के लिए। तो उसका हमारी जस्ट यहाँ पे ही, जो यहाँ पे लाइट दिख रही है वहीं पे ही मंदिर के जो सामने लगी हुई है। हाँ यार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलो। हे भगवान, ओवर एक्साइटेड। अभी वो दीवा और वो नहीं आई, अभी उधर को मत जाना। दीवा दीवा और है, कॉल कर दिया। आ गए वो, आ गए सामने सामने। हाँ एक साथ जाएंगे। हमारे राम जी की सेना चली वाला हिसाब हो रहा है। हाँ राम जी की सेना चली। कहाँ जा रहे हो बेटा, उधर इनका हाथ पकड़ लो इनका। दोस्तों आज रामलीला में इतने टाइम के बाद जा रही हूँ ना मैं, कितने सालों के बाद। तो अपना बचपन याद आ रहा है रामलीला में जाने में। पहले से हम बचपन में बहुत दूर तक पैदल पैदल जाते थे रामलीला देखने, वैसे ही आज भी जा रहे हैं। तो सच में बचपन याद आ रहा है। ये फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। भाभी को तो, भाभी को देख के लग रहा है कि बर्फ गिर गई। रात सही करे आपने अभी रात को। अच्छा स्वेटर नहीं पहनी होगी ना। तो दोस्तों ये है हमारे जस्ट बगल में ही लक्ष्मी विष्णु मंदिर और उसके जस्ट सामने रामलीला चल रही है। ये सामने नित्य काशी गिरना नहीं है उधर को। यहाँ पे ठीक है। तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रही है रामलीला। ये कैसे बैठ गए देखो जरा, ये इस साइड से बैठ नित्य। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्यों काशी कैसा लग रहा है आके? चुन्नू कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? सुची सुची कैसा लग रहा है? माइक अच्छा लग रहा है। सभी जनता का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज के मन में मुख्य आकर्षण सूर्पनखा नासिका छेदन खड्ग शरबत और सीताहरण तक की आपको सुंदर लीला हमारी कमेटी द्वारा दिखाई जाएगी। सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीता माता का हरण होगा। हमारे कमेटी सभी धर्म प्रेमी जनता का श्याम रामचंद्र भगवान की जन्मी सीता माता की हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की। आइए खाने पे ध्यान है इनका, खाने पे ध्यान। मुझे चरणों से मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
हैं? आगे कौन कौन है? शुभनखा, आज मेरा विवाह हो जाएगा। बिल्कुल होगा, सच्ची में होगा। कितनी सुंदर लग रही हूँ, बहुत सुंदर। तो पहले से चुनी ढूंढा तुमने मेरे लिए, छह हफ्ते लिए तो तुमने उतना अच्छा अच्छा ढूंढा है मेरे लिए। चुनी ढूंढा मुझे तो शर्म आ रही। तुम्हारे भैया ने तो कह दिया कि मेरे पास तो जन्नत नदी है और तुम अकेले हो, इसलिए आपकी हमारी जोड़ी खूब जमेगी। देखो प्रभु जी हमें बरी दे हो, हमें बरी दे हो जी। क्यों जाऊं मैं? वो कह रहे तुमके पास जाओ, गए उनके पास जाओ। बताओ दो घंटे ब्यूटी पार्लर में होके आई हूँ, नहीं जाती किसी के पास, नहीं जाती। चलो गोस्वामी जी आओ, चल हम। बड़े मुस्कुरा रहे हो तुम, अपनी शक्ल भी देखिए मेरे साथ जाने के लिए, मार खाओगे। चलो कोई बात नहीं। ओ राम जी मैं सेवक हूँ, ओ मेरे स्वामी मेरे प्रिया, उनकी सेवा से करता हूँ अपनी गुजर। सब मेरे साथ जोर जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अभिवासी क्या कह रहा है तू, क्या कर रही है ऐसे इधर उधर, क्यों डोल रही है? कहा मैं ऐसी घूम रही हूँ, तू दे सर्दी लगी है तेरे, क्या हो गया ऐसे इधर को दिखा दो मेरे को। ऐसा ना धूप से चेहरा काला हो जाएगा ना, इसलिए चढ़ रख रखा मैंने। लगता तुम खा दो ना आपको मौसी, तुझे खुद बुखार होगा तो नहीं आया मेरे को लग रहा है। कुछ नहीं है। फिर ऐसा क्या कर रही है? कहा कुछ नहीं कर रही हूँ। या तो तेरा देवता बिगड़ गया लग रहा है मेरे को। मेरा देवता नहीं बिगड़ा, तुम्हारा देवता बिगड़ा है। तो फिर ऐसा क्या कर रही है तू? ऐसा ना कोरोना वायरस मास्क लगा कर। हेलो हेलो, ये मास्क जैसा तो नहीं दिख रहा है मेरे को, क्या पता। अरे सुन कहा जा रही है, पता तो सही, तू आज सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे मैं ऐसी घूमने गई थी इधर ही पास में। अच्छा पेश किया जाए सुंदर, बंगाल मंत्री मदिरा की व्यवस्था प्रदूषण।
हिंदू से मर रहे हैं। दशा तुम्हारी बहना बताई दीजिए। और चल कर माया मृग बन जा, चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा बन कर हिरन आ गया ना। आप सीता माता बोलेंगे, हिरन कितना प्यारा लग रहा है, सीता माता ले के लिए लेने जाएंगे। हिरन बनाए ना, मारी हिरन बनाए आगे। यह कैसा विचित्र मृग है, ये तो इसकी चमक ही अलग है। ठीक है, मैं अभी इस मृत को मारकर आता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, तुम बल बुद्धि और विवेक से सीता की रक्षा करना। रावण है वो, रावण नित्या तुझे पकड़ के ले जाएंगे। सदा का नन में तक तेरे है, सदा का। रावण को देख के जो बड़ा खुश हो रहे हैं मेरे बच्चे। फाटा बहुत बच्चे नित्या। रावण क्या बनाया अभी, अभी क्या बनाया, अभी क्या बनाया, ऋषि मैये तुम्हारे जो अल्लाह जाता तुझे जीता रखे तेरा भी लेता है इस तरह के दान को। हे वर की आस रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृह सीता, होंगी धर्म
दोस्तों सीता माता का हरण हो गया है, मतलब अभी चल ही रहा है वापस संवाद सीता माता और रावण का, और हम लोग आ चुके हैं वापस घर को क्योंकि टाइम भी हो चुका है, एक बज गया है एक बजने में। तो दोस्तों एक बजने में एक मिनट है भाभी, एक बजने में एक मिनट है और हम जा रहे हैं घर। नींद नहीं आ रही नित्या का सुख है। तो देखिए दोस्तों पीली कोठी की सम्मानित जनता जा रही है, पीछे से आगे से सब सम्मानित जनता जा रही है। क्या हुआ, कौन थी दुल्हन पता है जो हमारे घर में आते हो? हरीश ताऊ जी शुभनखा, वही तो थे ताऊ जी है ना, हरीश दा। क्या डांस किया ना, ये तो सब ऐसे ही गए, नहीं लाया तेरे लिए। मुझे हरीश दा का, लक्ष्मण का, रावण का, तीनों का पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी हम लोग रामलीला देख के आ चुके हैं वापस घर, अभी हमने जटायु के पंख कटते हुए नहीं देखे, जटायु जी भी आ गए थे लेकिन हम लोग आ गए घर, एक बज गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, ठंडा भी होने लग गया था बच्चों को, इसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, और बगैर नाक बंद कर रखी थी नाक, क्योंकि उनकी काट दी थी ऐसे, क्योंकि उन्होंने गंदी बात करी थी ना, वो जबरदस्ती उनके वहाँ घुस गए थे पंचवटी में, राम जी लक्ष्मण जी के वहाँ। क्यों क्यों क्या क्यों इतनी रामलीला देख दी, क्यों नाक क्यों बंद करी हमने? तो काट दी थी ना उनकी नाक। तो दोस्तों इसी के साथ वैसे बच्चों को दिखानी चाहिए रामलीला, नित्या को तो वैसे पता ही है क्या क्या होता है ना रामलीला में, पर ऐसे दिखानी चाहिए वैसे अच्छी बात है। तो अब गुड मॉर्निंग भी हो चुकी है, एक बज गया है, आज 22 तारीख भी हो गई है, एक बज चुका है क्योंकि। तो इसी के साथ इस आज के ब्लॉग को, रामलीला वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। आपने देखी हमारी पीली कोठी क्षेत्र की रामलीला, होप आपने पसंद करी होगी, और पसंद करी तो, और आपको किसका एक्ट बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद गैड़ा फैमिली ब्लॉग्स पे बनाए रखिए। बाय, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।